हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दून टेस्ट में। आज की रेसिपी होने वाली है चिकन के हरे भरे चीज़ी चटनी कबाब, जो कि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 3 से 4 हरी मिर्च ली है साबुत, और 5 से 6 इसमें लहसुन के जवा लिए हैं, और इसमें मैंने धनिया पत्ती ली है। तो आप इसकी पत्ती नहीं, डंठल के साथ डालिएगा। और फिर इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है। टेस्ट के हिसाब से इसमें आपको नमक ऐड करना है, और 1 से 2 चम्मच इसमें नींबू का रस ऐड करना है। और फिर आपको इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके इन सबको हमें अच्छे से पीस लेना है। तो ये हमारी ये कबाबों की चटनी बनकर रेडी है। तो अब इस चटनी को हम जार से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब एक बाउल में मैंने थोड़ा सा मैज़रोला चीज़ लिया है। अब मैज़रोला चीज़ लेने के बाद में फिर इसमें 1 से 2 चम्मच आपको मेयोनीज़ ऐड करनी है। तो हम जब 1 से 2 चम्मच मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, तो फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करना है। और उसके बाद में फिर जो हमने ये चटनी बनाई थी, इस चटनी को भी हमें इसमें ऐड कर देना है। और अब इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो इन सारी चीज़ों को हमें खूब अच्छे से स्पून के हेल्प से खूब अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स करते रहना है। तो ये देखिए, हमारा ये चटनी का बनके रेडी हो गया है। तो अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब इधर हमने ये बोनलेस आधा केजी चिकन लिया था, इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। तो ये हमारा बोनलेस चिकन है। तो अब इसको हम एक चॉपर में इसमें हम डालते हैं। तो इसका सारा पानी जब निकल जाए तब चॉपर में ऐड कीजिएगा। अब इसमें 1 से 2 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और इसमें 8 से 10 लहसुन की ये कलियाँ ऐड की हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्ची चॉप की हुई ऐड की है, और इसमें भी धनिया पत्ती हमने ऐड किया है। और धनिया पत्ती ऐड करने के बाद में फिर हमें इसमें ये साबुत ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। तो आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकती हैं, और इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड करना है, और ये काली मिर्च का पाउडर आपको ऐड करना है, और थोड़ा सा चाट मसाला आपको ऐड करना है। अब इन सबको ऐड करने के बाद में फिर टेस्ट के हिसाब से आप इसमें भी नमक ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें 2 स्लाइस ब्रेड पानी में भिगो के और अच्छे से इसका पानी हम निकाल के और इसमें चिकन में ऐड करेंगे। इससे ना हमारे जो ये चिकन के जो कबाब बनेंगे वो थोड़े हमारे सॉफ्ट बनेंगे। इसलिए हमेशा आप ना पानी में भिगो के और ब्रेड इसमें चिकन के कबाबों में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे हमारे चिकन के कबाब सॉफ्ट बनते हैं। तो अब इसको भी हमें ये अच्छे से पीस लेना है। तो आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकती हैं। तो मैंने इसको चॉपर में पीस लिया है। तो अब ये देखिए, हमारा ये चिकन का कीमा अच्छे से पीस के ये रेडी हो गया है। तो अब इसको हम लोग निकालते हैं एक प्लेट में। तो अब ये चिकन के कीमा को देखिए, अच्छी तरीके से इसमें सारा मसाला अंदर तक अब्सॉर्ब हो चुका है। अब इसके बाद में हमें इसकी गोल गोल ऐसे बॉल सी बनानी है, और फिर उसके बाद में हमें इसके चपटे कबाब बनाने हैं। तो जैसे हम चपली कबाब बनाते हैं बड़े बड़े और चपटे, ऐसे ही हमको इसको भी खूब ऐसे बड़े बड़े चपटे कबाब बनाने हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर वो चटनी का जो हमने ये तैयार किया था मिक्सचर, तो वो उसको हमें इसके अंदर अच्छे से अंदर भरना है। तो अब ये देखिए, कबाबों के अंदर हमें ये चटनी को अच्छी तरीके से पैक करना है। तो चारों तरफ से ये चिकन के कबाबों को आप ना दबा दबा के अंदर चटनी को अंदर से अच्छे से पैक कर दीजिएगा। तो अब अच्छे से पैक करने के बाद में फिर अपने हाथों में ऐसे दोनों साइड से राउंड करते हुए इसको अच्छी तरीके से आपको अच्छे से पैक करना है कि चटनी बाहर नहीं आने पाए, और बस खाली हमारा जो चिकन है वही ऊपर रहे। तो ये देखिए, अब हमारे ये कबाब अच्छे से ये बन चुके हैं। तो ऐसे ही हमें इनको बनाना है। तो अब ये हम ये फिर से दूसरा एक कबाब लेते हैं, इनको भी हाथों से अच्छी तरीके से हम दबा के एकदम चपटे कबाब बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम ये चटनी का जो हमारा ये पेस्ट था उसको अंदर भर के और अच्छी तरीके से एक पोटरी के टाइप से बना के और अच्छी तरीके से दबाना है। और फिर हमें इन
चिकन का चिकन के उसमें अच्छे से पैक कर देना है। तो इसी तरीके से ये हमारे देखिए सारे चिकन के चटनी वाले कबाब रेडी हो गए हैं। अब इधर एक प्लेट में मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो ये मेरे पास पहले से रखे थे तो मैंने उसी को ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि ये हरे चटनी के कबाब हैं हरे भरे, तो इसलिए मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा जैसे हरे भरे कबाब हैं इसलिए फूड कलर ऐड कर लिया है। अब ये देखिए हमारा ये भी ये रेडी हो गया है। अब इधर एक बाउल में मैंने ये दो अंडे लिए हैं, तो अब इन दो अंडों को भी हमें अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि हमें इस कबाब को इसी में लपेट लपेट के ब्रेड में वो लगाना है। तो इसलिए पहले अंडे को अच्छी तरीके से आप खूब ये फेंट लीजिएगा। अब हम सब ये जो हमने कबाब रेडी किए थे, तो अब कबाबों को अंडे के अंदर डिप करके और फिर उसके बाद में ये जो ब्रेड क्रम्स है उसमें हमें अच्छी तरीके से लपेटना है। तो ब्रेड क्रम्स के बीच में आप ना कबाब को रख के और उसके ऊपर से सारे खूब सारा ब्रेड क्रम्स ऐसे हाथों से डालिएगा, और हाथों से डालने से एक साइड से ऐसे डालिएगा और फिर उसके बाद पलट के और दूसरे साइड से भी आपको ऐसे ही डालने हैं। तो ये देखिए हमारे ये हरे चटनी के कबाब ये तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही करके हमें स्टेप बाय स्टेप सारे कबाबों को ऐसे ही रेडी करना है। तो अब हम ये देखिए धीरे धीरे करके, ये देखिए हमारे ग्रीन ये चिकन के चटनी के कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इनको हमें ये ऐसे ही तैयार करके फ्राई करना है। तो अब ये हमारे सारे कबाब बन चुके हैं। तो अब इसके बाद में फिर हमें एक बाउल में अपना रिफाइंड ये ऑयल ऐड करना है। तो रिफाइंड ऑयल जब तक हमारा इसमें गर्म हो रहा है तब तक हम इसकी चटनी बनाते हैं कबाबों की। तो हमने थोड़ा सा दही ऐड किया है, और जो हमारी वो चटनी थोड़ी सी मैंने बचा ली थी तो वो चटनी मैंने इस दही में अच्छे से मिक्स कर दी है। तो ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है कबाबों के साथ खाने के लिए। तो ये हमारी चटनी भी एक साइड में रेडी होकर रख दी है मैंने। अब इधर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अब ये सारे कबाब इसमें बारी बारी इसमें डालूंगी और इनको फिर हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी मैंने इन सारे कबाबों को धीरे धीरे करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसको सबको पलटेंगे, तो एक साइड से अब हम इन सारे कबाबों को जब हम पलट लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हमें ऐसे ही दूसरे साइड से भी हमें पलटना है। तो जब हमारे ये कबाब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब फिर हम दूसरी साइड से भी पलटेंगे। तो अब ये हम जब दोनों साइड से हमारे कबाब अच्छे से फ्राई होंगे तभी हमें निकालने हैं बाहर। तो अब ये देखिए हमारे ये चिकन के हरे भरे कबाब ये फ्राई हो चुके हैं। तो अभी मैं ये दो कबाब निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे ये हरे भरे चिकन के ये चटनी वाले कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी कबाब हैं, तो इनको मैं अंदर से भी कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इनको चाकू की हेल्प से कट किया है। तो ये देखिए कितने अंदर से चीज़ी चटनी के कबाब हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो ये कबाब बहुत ही टेस्टी कबाब है, इनको आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी कभी टी टाइम में और या फिर जब भी हमारे घर जैसे कोई गेस्ट आए तो ये कबाब आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।